भारतीय टीम के साथ हो गई बेईमानी। There can be no doubt about it. This ball has gone out. And surely, surely, moment. भारतीय टीम को धोखे से कर दिया वर्ल्ड कप से बाहर, अब नहीं खेल पाएंगे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। कैसे हुआ टीम इंडिया के साथ इतना बड़ा धोखा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्रिकेट की दुनिया में टीम इंडिया का बड़ा दबदबा है, वही दूसरे ओर देश के करीब 1.5 अरब की आबादी आज भी फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए सपना देख रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया का आखिरी क्वालिफायर मैच कतर के खिलाफ खेला गया। टीम इंडिया के लिए यह मैच करो या मरो वाला मैच था। मैच जीते या टाई हुए, भारतीय टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफायर कर जाएंगे। मैच के 36वें मिनट में टीम इंडिया की ओर से चंग ने पहला गोल दाग दिया और मैच के 72 मिनट तक भारतीय टीम बढ़त बनाए रखा, लेकिन रेफरी की नाइंसाफी की वजह से भारतीय टीम को फीफा वर्ल्ड कप रेस से बाहर होना पड़ा है। दरअसल कतर को फ्री किक का मौका मिला, उसे गोल की तरफ मारा, भारतीय टीम ने इसे रोक दिया और गेंद गोल पोस्ट के लाइन पार कर गई। इसके बावजूद कतर का एक खिलाड़ी बॉल को लाइन के अंदर ले आया और गोल मारकर सेलिब्रेट करने लगा। हैरानी की बात तो ये थी कि मैच रेफरी ने इसे गोल दे दिया, जबकि नियम के अनुसार इसे कॉर्नर होना चाहिए था। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी इस फैसले का विरोध किया और दोनों रेफरी से बात की, लेकिन वो नहीं माने। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी फैसले को बदलने के लिए मनाते मनाते थक गए, लेकिन रेफरी अपने फैसले नहीं बदले। रेफरी ने खुलेआम बेईमानी की और भारतीय टीम के पास 72वें मिनट में बढ़त था, 73वें मिनट में बराबरी हो गई। अंपायर ने रिव्यू तक नहीं दिखा। कमेंटेटर से लेकर फील्ड में मौजूद सभी का मानना था कि बॉल लाइन क्रॉस कर गए है, इसे कॉर्नर होना चाहिए। सब अंपायर के इस फैसले से हैरान थे, बॉल आउट होने के बाद कैसे गोल हो सकते है। उसके बाद रिव्यू में अलग अलग एंगल से दिखाया गया, बॉल पूरी तरह लाइन क्रॉस कर चुके थे। इस एंगल से भी साफ तौर पर नजर आ रहे है बॉल आउट है। दोनों रेफरी के निराशाजनक नाइंसाफी वाला फैसला ने भारतीय टीम के वर्ल्ड कप खेलने का सपना फिर से एक बार तोड़ दिया। कतर ने बेईमानी से गोल करके पहले बढ़त की बराबरी की। उसके बाद टीम के खिलाड़ी अहमद अल रोबी ने 50वें मिनट में एक और गोल दाग दिया, इससे भारतीय टीम पिछड़ गई और मुकाबला खत्म होने तक बराबरी नहीं कर सकी। इस मैच को जीत कर या टाई करके भारतीय टीम के पास तीसरे राउंड में जाने का मौका था, लेकिन साउथ कोरिया के दो मैच रेफरी की बेईमानी की वजह से भारतीय टीम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जाने का सपना टूट गया।